हेलो नो गाइस, कैसे हो लोग? वेलकम बैक टू अनदर गेम लोडो सीरीज। गाइस, आज हम लोग वापस से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। और माइनक्राफ्ट के अंदर हम लोग क्या करने वाले हो तो आप लोग को मालूम है, आप लोग देख सकते हो, क्योंकि हम लोग जो है वो उज्जवल भाई की जो है वो सीरीज कॉपी कर रहे हैं पहले वीडियो से लेकर लास्ट वीडियो तक। और आज के वाली वीडियो के अंदर हम लोग फार्मिंग करने वाले हैं, जो कि उज्जवल भाई ने की है। थर्ड वीडियो के ऊपर उज्जवल भाई ने फार्मिंग की हुई है। बाकी मैंने ऑफलाइन के अंदर बहुत सारा काम किया है, जो कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। चलिए दिखाता हूँ फटाफट से कि मैंने आखिरकार क्या किया है भाई ऑफलाइन के अंदर, इसलिए जो है वो ये वाली वीडियो लेट आ गई। आ जाओ गाइस, तो चलते हैं फटाफट से और दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं यहाँ पे देख सकते हो ये वाला पहाड़, इतना बड़ा जो पहाड़ था ना, हम लोगों ने ये पूरा का पूरा हटाया है। मतलब एक घर के ऊपर से लेकर के वहाँ तक का पूरा पहाड़ था, ये पूरा का पूरा हटाया है। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, लिटरली बता रहा हूँ भाई, इसलिए ये वाली वीडियो लेट आ गई। पहले तो हम लोग ने डर हटाया, उसके बाद जो है स्टोन हटाए, तो भाई डर के अंदर तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन हाँ डर ये स्टोन थोड़ा सा था, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग गया उसके अंदर। लेकिन हमारे पास बहुत सारा सामान आ चुका है, ढेर सारे डर्ट और ढेर सारे स्टोन भी आ चुके हैं। हम लोगों को ये वाला पूरा पहाड़ हटाना पड़ेगा साइड वाला, तब जाके ये होगा। लेकिन इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग जो है मल्टीप्लेयर खेलने वाले थे, बट सीन ये हो गया ना कि भाई मेरा दोस्त जो है वो अभी आ नहीं पाया। बाकी यहाँ पे ढेर सारी डर्ट पड़ी हुई भी है, तो हम लोग ये उठा लेते हैं, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर फार्मिंग करने वाले हैं। उज्जवल भाई ने एक प्लेस बना दिया है, तो भाई साहब मुझे भी एक प्लेस बनाना पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब उज्जवल भाई का जो है वो जो जहाँ पे उन्होंने घर बनाया है वहाँ पे जो है वो इतना ज़्यादा मतलब वो खड्डा वगैरह नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा खड्डा है। मतलब लिटरली बता रहा हूँ, मुझे पूरा फील करना पड़ेगा, ठीक है ना। हम लोग जो पास वाला पहाड़ है ना वो पूरा हटाएंगे, तो वहाँ से ढेर सारी डर्ट मिलेगी हम लोगों को, जिससे कि हम लोग जो है वो पूरा बना सकते हैं। तो ये चीज़ करनी पड़ेगी। बाकी हमारे पास डर्ट तो ऑलरेडी भाई एक डबल चेस्ट जो है वो पीछे फुल भरी हुई है डर्ट की, तो डर्ट की तो चिंता है ही नहीं भाई, क्योंकि डर्ट तो भाई आसपास भी बहुत सारे डर्ट पड़ी हुई है। तो आज हम लोगों को सबसे पहले यहाँ से हम लोगों को पूरा फील करते हुए जाना पड़ेगा, और हम लोगों को जो है वो करीबन शायद से जो है वो 23 के अराउंड हम लोगों को जो है वो लंबाई होगी, और पौड़ाई शायद से 8 और एक खड्डे से 8 और दूसरे खड्डे से 8 ऐसा कुछ है। लेकिन आ जाओ, हम लोगों को जो है सबसे पहले सोना पड़ेगा और वापस से देख कर आना भी पड़ेगा कि आखिरकार उज्जवल भाई ने किया गया था, क्योंकि मैं जो है वो वीडियो देख रहा था तब भाई बहुत ज़्यादा मतलब 2 साल हो गए होंगे उस वीडियो को, तो जब मैंने देखी थी, बट अब पता नहीं। आ जाओ इसको चलते हैं, पहले तो वीडियोस देख कर आते हैं। ओके गाइस, फाइनली देख कर आ गया हूँ मैं। तो सीन ये है ना कि हम लोगों को जो है वो यहाँ से फील करता हुआ जाना पड़ेगा। पहले तो हम लोग पूरा फील कर देते हैं, 23 के अराउंड लंबाई होने वाली है, और यस मैंने जैसे सोचा था वैसे ही होने वाला है ये चीज़। तो आ जाओ हम लोग जो है वो अंदाजे से सब कुछ करेंगे, क्योंकि उज्जवल भाई ने प्रॉपरली सब कुछ बताया नहीं है, तो हम लोग जो है वो अंदाजे से ही सब कुछ करेंगे, और आई होप सेम टू सेम हो। आ जाओ लेट्स गो। भाई साहब बारिश हो चुकी है, और फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को यहाँ से डर लगाते हुए आना है, और बहुत सारी डर लगानी पड़ेगी, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं जो है वीडियो को कट करने वाला हूँ और पूरा फील करने वाला हूँ, वरना भाई साहब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और बोरिंग सी हो जाएगी। यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, आसपास बहुत सारी डर्ट लगानी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि थोड़ी सी। चलो आ जाओ, 2 मिनट दो, फटाफट से यूं गया और यूं आया वापस। ओके गाइस, ये देखो आप लोग, यहाँ पे फाइनली हम लोगों ने जो है वो ढेर सारी डर्ट लगा दी है, और ये पूरा का पूरा प्लेस कंप्लीट कर दिया है। ये जो है वो 22 लंबाई है, और पौड़ाई तो मैंने अब तक नहीं नापी है भाई। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो नीचे जो पूरा खड्डा ही है भाई, मैंने ऊपर से डर्ट लगाई हुई है। अगर मैं पूरा फेल करता ना तो भाई जितनी डर्ट मेरे पास है ना वो भी कम पड़ती, 2 डबल चेस्ट भी कम पड़ती, उतनी डर्ट चाहिए होती, लेकिन अभी ठीक है, ऊपर से हम लोग कर रहे हैं। आ जाओ, अभी हम लोगों को जो है वो यहाँ पे लहर भी बना दी है, हम लोगों को माइनिंग करने के लिए जाना है, और उज्जवल भाई ने भी माइनिंग करने के लिए गए थे, और वो लोग उन्होंने जो है वो 2 यस आयरन के टूल बना दिए थे, और 4 जो है वो बकेट बना दी थी। बाकी यहाँ पे माइनिंग वगैरह दिख नहीं रही है, मैं एक ख़तरनाक चीज़ करने वाला हूँ। उज्जवल भाई ने जो है एक फनी जो है वो चीज़ करी थी, लास्ट
एपिसोड मतलब लास्ट क्लिप के अंदर जब वो आउट्रो कर रहे थे तब उन्होंने ना वो किया था, वो मुर्गी वाला सीन किया था। तो भाई वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था और फनी सा लग रहा था। तो मैं वो चीज़ करूँगा, आप लोगों को दिखाऊँगा, लास्ट तक बने रहिएगा। आ जाओ चलते हैं फटाफट से माइनिंग ढूंढते हैं, कोई माइन ढूंढते हैं भाई, आ जाओ लेट्स गो। ओके गाइस, यहाँ पे हम लोगों को एक माइन मिल चुकी है। और भाई जितनी भी अब तक के माइन मिले हैं ना, मुझे बहुत सारी माइन मिली है बट वो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाती थी भाई। मतलब इतनी सी माइन जिसके अंदर कुछ होता ही नहीं है। अच्छा ये वाली माइन देखते हैं इसके अंदर क्या है। आई होप इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिल जाए, जो भी हम लोगों को चाहिए, आयरन और गोल्ड, वैसे सब कुछ है मेरे पास बट फिर भी मैं माइन करना चाहूँगा। और ये क्या मजाक है, ये भी भाई शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। ये देखो भाई यार, मैं कुछ भी नहीं है भाई यार, इतनी बड़ी माइन थी वो बंद लिख ली भाई यार, कुछ भी बोल रहे यार। यही तो सीन है ना भाई साहब। गाइस भाई मैं माइन ढूंढ ढूंढ के ना थक गया हूँ, अब तक के माइन नहीं मिली। लेकिन आ जाओ हम लोग जो है वो नेक्स्ट स्टेप की बढ़ते हैं। वैसे तो हमारे पास गोल्ड है ही, यहाँ पे हम लोग पानी डालना है तो ये नहर बनानी है पूरी की पूरी। तो आ जाओ पानी डालते हैं कुछ इस तरीके से जैसे उज्ज्वल पानी डाला था। आ जाओ हमारे पास अनलिमिटेड वाटर है तो कोई दिक्कत नहीं। फाइनली गाइस हम लोगों ने पानी फिल कर दिया है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग नहर जैसा बना दिया है, जैसे उज्ज्वल मैंने बनाया है। बाकी यहाँ से हम लोग पानी भर लेते हैं। अभी नेक्स्ट चीज़ जो है वो की है, वो पहले तो हम लोग चलेंगे ऊपर मतलब हमारे घर के अंदर जाएंगे और वहाँ से खाना वगैरह भी लेंगे। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि उज्ज्वल भाई ने जो है वो उसके पास एग थे, तो उन्होंने पास एग थे ना, वो एग के उन्होंने फोड़ा और उसके अंदर से निकला एक चिकन का बच्चा, छोटा बेबी चिकन। और यहाँ पे जो है उन्होंने जो है वो छोटे से बच्चे को जो है वो अपने फार्म में ला दिया बट वो थोड़ी देर के बाद भाग गया भाई। ये सीन था। दरअसल वो ऊपर आकर जो है वो बांध बनाने के लिए आए थे ऊपर कि इसको जो है वो घर बना देते हैं इनका। तो वो लोग वो जो है वो यहाँ से जो है वो सारी चीज़ें ले जा रहे थे। तो नीचे जाने के बाद जो है वो बच्चा गायब हो गया। आ जाओ पहले तो ना मैं यहाँ से गोल्ड ले लेता हूँ और मैं जो है वो गोल्ड की सोल्ड बनाना चाहता हूँ। बाकी अंडे नहीं है वरना मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखा था। वैसे भी वीडियो है गई नहीं है कहीं पर, आप लोग देख भी सकते हो। यहाँ पे हम लोग जो है वो सोर्ड बना लेते हैं और अब तो कुछ चाहिए नहीं भाई, सब कुछ है मेरे पास। आज वाले इसको तो हम लोग चलते हैं फटाफट से यहाँ से। अब भाई उल्टा गया मैं, नीचे से जाना था, नीचे रास्ता है फिर भी ऊपर से कूद के जा रहा हूँ, देख रहा हूँ मैं। प्रो प्लेयर है भाई, प्रो प्लेयर पर। आ जाओ खोलते हैं इसको और बंद कर दो वापस से। यहाँ पे देख रहे हो ये चिकन है, ये देखो भाई चिमकांडी भाग गई भाई, इधर से चिमकांडी चिकन भाग चुकी है। और इस चिकन को भाई आ जा मेरे पीछे पीछे आ जा, अब चिमकांडी पीछे पीछे आ जा मेरे, अब आना। ये वाला सीन था। तो दरअसल पहले तो ना मैं आप लोगों को ये उज्ज्वल भाई ने जो बांध बनाने के लिए जो फेंसेस वगैरह बना रहे थे तो यहाँ पे जो वो बना रहे थे मतलब ऊपर जाके बना रहे थे, ठीक है ना। तो मैं पहले बना लेता हूँ फेंसेस। उसने जो है वो कितना छोटा घर बनाया है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, कितना छोटा जो है चिकन का घर बनाया है वो दिखाता हूँ, देख रहे हो आप लोग भाई। ये सबसे फनी चीज़ थी, आ जाओ दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे गेट वगैरह है और ये क्राफ्टिंग टेबल वापस से तोड़ लो। यहाँ पे जो है वो इस कोने के अंदर जो है वो उन्होंने चिकन का घर बनाया था। तो यहाँ पे यहाँ से कुछ इस तरीके से ऐसे दो इस तरफ, दो इस तरफ और दो इस तरफ और यहाँ पे गेट, यहाँ पे देख रहे हो ये गेट और ये बन गया चिकन का घर जिसके अंदर सिर्फ एक ही बंदा खड़ा रह सकता है। यस भाई साहब। उसके बाद हम वो गए चिकन को ढूंढने के लिए इधर से, और यहाँ पे ही चिकन थी। तो यहाँ पे मेरे पास तो कोई चिकन नहीं है, वहाँ पे दूर है, एक सेकंड रुक जाओ। रात हो रही है भाई, जो भी हम लोगों को मार मार के ना हमारा भरता बना देंगे, उससे पहले हम लोग जो है वो सो कराते हैं। लेकिन यहीं पे चिकन नहीं दिख रही भाई, अभी तो देर सारी थी इधर। एक सेकंड रुक जाओ, इधर है, ये रही चिकन भाई। इस बार भाई ये तो पता नहीं क्या, ये चिकन ही चिकन दिख रही है, देख लो चिकन इधर आ जा। अब भाई ये चिकन बात मान रही है मेरी, आ जा। अब नूबड़ी नहीं मान रही। ये सीन था, ये देख रहे हो चिकन, मतलब उसको नहीं पता था कि सिर से चिकन को जो है वो बुलाया जाता है और वो वैसे ही चिकन को बुला रहे थे और चिकन आ नहीं रही थी और उसका माथा गर्म हो रहा था। तो भाई उन्होंने जाने दिया फिर, लेकिन हम तो लेकर आएंगे भाई। लेकिन रात हो चुकी है, पहले सोते हैं भाई। एक सेकंड रुचाओ, ये अंदर क्यों नहीं जा रहा, जंप करो। यस आ जाओ लेट्स गो। सबसे पहले तो हम लोग जो है वो बेड बनाएंगे भाई और सोएंगे, क्योंकि ऊपर बेड है भाई, मैं ऊपर नहीं जाने वाला हूँ। यहाँ से नीचे से जो हुई हुआ सो लेते हैं भाई, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो भाई ज़ॉम्बी वगैरह स्पॉन हो जाएंगे और हम लोग जो है वो सो नहीं पाएंगे।
इसलिए फटाफट से 2 मिनट के अंदर पेट बन चुका है, 2 मिनट के अंदर सो जाते हैं और फटाक से वापस से उड़ जाते हैं। ये गुड मॉर्निंग गाइस, लेट्स गो। तो हम लोग को कुछ है वो ये देख रहे हो, चिकन अंदर आ चुकी है। पहले क्राफ्टिंग टेबल तोड़ो, हमारा क्राफ्टिंग टेबल वापस दो भाई, मैं एक्स के एक्स से नहीं तोड़ा हूँ, क्या सीन क्या है? आ जाओ। तो हम लोग को कुछ है वो चिकन को सीट दिखानी पड़ेगी। तो चिकन आ जाओ इधर, सीट दिखाता हूँ। और चिकन को पहले जो है वो उज्ज्वल भाई का बनाया हुआ छोटा सा जो है वो बांध के अंदर डाल के आ रहे हैं। आ जाओ फटाफट से, आ जाओ फटाफट भाग के आओ भाई। यार ये चिकन कितना स्लो चल रही है यार, तो भाग भी इतना स्लो रही है। आ जाओ ये अंदर आ जाओ। अबे भाई इसके अंदर तो ले ही नहीं पा रहे हैं हम लोग। एक सेकेंड रुक जाओ, इसको अंदर डालना पड़ेगा मुझे कुछ भी करके। एक सेकेंड रुक जाओ, रुक जाओ। ओके फाइनली गाइस, डाल दिया है चिकन को अंदर। अभी इस चिकन को जो है उज्ज्वल भाई को बुरा लग गया था, क्योंकि यहाँ पे ये चिकन इतनी छोटी से बांध के अंदर, ये जो चिकन का घर है ना भाई, ये बहुत ज़्यादा छोटा था। तो उज्ज्वल भाई ने सोचा ये भाई यहाँ पे जो है डर्ट भी लगा देते, और ये चिकन को भाई गलती से मैं भाई मतलब यार ये छोटे से मैं मर तो नहीं जाएगी ना। उज्ज्वल भाई ने कहा कि मतलब यार ये तो बहुत छोटा है, और उज्ज्वल भाई ने भी सोचा कि ये तो भाई ये तो उज्ज्वल मतलब खेत हो जाएगी ये चिकन, इसलिए उन्होंने जो है वो चिकन को मार दिया। लेकिन ये क्लिप जो है वो वीडियो के अंदर नहीं है, लेकिन हाँ उसने जो है वो मार ही दिया होगा 100% लिख के ले रहा हूँ, उन्होंने जो है वो मार ही दिया होगा। उसके बाद यहाँ पे आउटरो कर दिया है कि चिकन को जो है वो आज़ाद नहीं किया, पूरा ही आज़ाद कर दिया। और उसके बाद जो है वो चिकन के अंदर कुछ मिला भी नहीं होगा, क्योंकि भाई जो है वो छोटा सा चिकन था, उसके अंदर कोई आम मिलता। आ जाओ तो यहाँ पे उन्होंने जो है वो वीडियो का एंड भी कर दिया था, आउटरो कर दिया था यहाँ पे जो है वो। तो हम भी आउटरो कर देते हैं। चले गाइस, आज के ये वाली वीडियो के अंदर इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो इसे रुकर लाइक कर देना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि भाई उज्ज्वल भाई तक ये वीडियो पहुँचे और वो देखकर ये सोच सके कि क्या मैंने जो वो चिकन मार दिया था या नहीं मारा था। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बाकी यार मैंने एक चीज़ नहीं की यार, मैं आउटरो कर रहा हूँ यहाँ पे। मैंने तो भाई उज्ज्वल भाई ने यहाँ पे सीट डाल दी थी और खेत बना दिया था, लेकिन मैंने तो ये चीज़ ही करी नहीं। एक सेकंड रुक जाओ भाई, ये चीज़ करके आता रहते फटाफट भाई। इसके अंदर भी एक सीन है पता है, इसके अंदर जो है वो उज्ज्वल भाई ने ना यहाँ पे पहले तो आ जाता है हम लोग फर्स्ट पोस्ट पे, इधर है ये रहा, ये आ गया। आ जाओ पहले तो ना हम लोगों ने हो बनानी है, और उज्ज्वल भाई ने उसका नाम जो है नहीं बताया, क्योंकि भाई उनको पता नहीं होगा या फिर क्या सीन होगा। लेकिन हाँ उज्ज्वल भाई ने उनका नाम नहीं बताया, इस हो का नाम तो मैं बता रहा हूँ, ये हो है भाई, जिसके हम मदद से हम लोग जो है वो खेत बना सकते हैं, एक बंजर जमीन को फर्तुलुक जमीन बना सकते हैं, जो कि इसके मदद से हम लोग जो है फार्मिंग कर सकते हैं इजीली भाई, इजी बात है ये। तो आ जाओ पहले तो हम लोग जो है वो यहाँ पे जो है वो खेत बनाते हैं एक छोटा सा, उसके बाद यहाँ पे जो है वो सीड भी डाल ली है, और सीड तो भाई मेरे पास वैसे पड़ी हुई है बहुत सारी, और ऊपर भी चेस्ट के अंदर बहुत सारी सीड है। वैसे उज्ज्वल भाई ने ज़्यादा सीड नहीं डाली थी इसके अंदर, यहाँ पे गलत हो गया, इसको वापस से बंजर कर दो। ये लो आ जाओ, तो यहाँ पे जो है वो उज्ज्वल भाई ने जो है वो थोड़ी सी ही सीड डाली हुई है, क्योंकि उनके पास इतने भाई ज़्यादा सीड नहीं थी। तो भाई साहब यही सीन था। अच्छा मेरे पास भी जितनी सीड है भाई उतनी सीड जो है वो यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ से फटाफट से ये चीज़ करो। ओके ठीक है, यहाँ पे जो है वो हमारे पास 21 सीड है, तो हम लोग 21 सीड इधर भी डाल देते हैं फटाफट से, और ये फार्मिंग को फटाक से कंप्लीट करते हैं। ये वाला जो है वो वीडियो भी इजीली कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो है हम लोग एंड करेंगे। लेकिन आज फटाफट से ये सीट डाल दी है, और फाइनली इतना सही था आई होप। हाँ जाओ लेट्स गो। ओके गाइस, तो चलिए गाइस आज की ये वाली वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे परिवार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को दबाओ। बाकी यार मैं मिलता हूँ वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, गुड बाय।